गुड मॉर्निंग साथियों, मैं आज आपके सामने 1 अक्टूबर 2018 के करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ मेरा एक यूट्यूब पर चैनल से चैम्पियंस ऑफ जीए के नाम से। ठीक है, तो चैम्पियंस ऑफ जीए को आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए और इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितना हो सके शेयर कीजिए। मैं आपके सामने रोज के करंट अफेयर्स लेके आऊँगा। मेरे करंट अफेयर्स डेली मॉर्निंग में 7 बजे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे, तो आप अपने साथ में एक पेपर और एक पेन रखिएगा। जैसे जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता जाऊँ, इन क्वेश्चंस का आंसर आप अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। इसके अलावा मैं क्वेश्चन के साथ में बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा, वो भी आप साथ साथ में नोट करते जाइएगा। ओके, तो आज एक अक्टूबर का जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो ये है कि विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आवास दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस तो मनाया ही जाता है। इसके अलावा कॉफ़ी डे भी 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और भारत में अगर अपन बात करें कि कॉफ़ी की बात आई यहाँ पे, तो कॉफ़ी डे तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है वो आसाम राज्य में पाई जाती है। तो ये भी आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा आपको कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है। तो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, आसाम में होता है। ठीक है, और विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आवास दिवस कब मनाया जाएगा, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अक्टूबर का कि नोबेल पुरस्कार 2018 जो स्टार्ट हो गए हैं, तो ये सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 2018 का आया है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में ये 2 व्यक्तियों को दिया जा रहा है, पहला है जेम्स पी एलिसन और दूसरा है तास्का होजो। किस कार्य के लिए दिया जा रहा है इनको, इनको दिया जा रहा है कैंसर के इलाज में सहायता करने के लिए 2 लोगों को, जेम्स पी एलिसन और तास्का होजो को चिकित्सा का क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस साल का दिया जाएगा। तो आपको लास्ट ईयर का भी याद रखना है, 2017 में नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया था, तो ये 3 लोगों को दिया गया था। पहला दिया गया था WCM को, दूसरा है रॉस बॉश को और तीसरा है जेफरी सी हॉल को दिया गया था, और ये तीनों ही अमेरिका के। आपको जगह का नाम भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के हैं ये तीनों, कहाँ के हैं, अमेरिका के। तो 2017 में 3 लोगों को मिला था और 2018 चिकित्सा का जो क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज है वो 2 लोगों को मिला है, पहला है जेम्स पी एलिसन, दूसरा है तास्का होजो, इनको कैंसर के इलाज में सहायता करने के लिए मिला है। और 2017 में जो इन 3 लोगों को मिला था, ये इनको आंतरिक घड़ी का आविष्कार किया था इन्होंने, मानव मस्तिष्क में एक घड़ी की डिवाइस के लिए इनको मिला था, मानव मस्तिष्क में घड़ी की खोज इन्होंने की, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूँ कि साहित्य के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। एक क्वेश्चन बन सकता है कि 2018 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, तो साहित्य के क्षेत्र में 2018 को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये घोटाला हुआ था मी टू महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित एक घोटाला हुआ था मी टू घोटाले के कारण 2018 का साहित्य को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अब नोबेल पुरस्कार की बात आई है, तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और कौन कौन से क्षेत्र हो जाएंगे, पहला हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में, दूसरा हो जाएगा रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में, तीसरा एक और हो जाएगा भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाता है, चौथा आपको हो जाएगा शांति के क्षेत्र में दिया जाता है ये नोबेल पुरस्कार, पांचवा आपका हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, और छठा आपको हो जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। क्वेश्चन पूछते हैं कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन पहले नोबेल पुरस्कार सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ठीक है, लेकिन 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे हैं। ठीक है ना, तो कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि प्रारंभ में कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे हैं, तो पहले सिर्फ 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, लेकिन 1968 में एक कमेटी बनाई गई और उसमें कहा गया कि अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार 1969 में मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और इसकी घोषणा उन्होंने एक साल पहले ही कर दी, 1968 में ये अनाउंस हो गया था कि इस साल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, तो ये हुई थी 1901 से। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जा रहे हैं। ठीक है,
अल्फ्रेड नोबल की याद में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रबंधन को लेकर गोवा व पुर्तगाल के बीच में अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है, वाटर डिस्प्यूट के मामले में गोवा व पुर्तगाल के बीच में एक समझौता हुआ है। तो गोवा का जब नाम आया तो अपन याद कर लेते हैं कि गोवा का सीएम कौन है, गोवा का मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, ये हमारे भूतपूर्व रक्षा मंत्री थे भारत के, लेकिन उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया है और अभी ये भारत के रक्षा मंत्री का पद छोड़ गई है, गोवा के मुख्यमंत्री बन गए। वर्तमान में भारत की जो रक्षा मंत्री है वो निर्मला सीतारमण है और गोवा के जो राज्यपाल है वो है मृदुला सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा झारखंड में। कहाँ बनेगा? झारखंड में। अब झारखंड राज्य की बात है ये, तो झारखंड का जो सीएम है यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है वो है रघुवीर दास और यहाँ का जो राज्यपाल है वो है द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड की बात आई है तो झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची। क्या है? रांची। और झारखंड की राजधानी रांची है और रांची जो है वो महेंद्र सिंह धोनी का गृह क्षेत्र भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने करूर वैश्य बैंक पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन आरबीआई की। आरबीआई का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, आरबीआई के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और भारत में जितने भी बैंक होते हैं, जो भारत में जो बैंक संचालित होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल जो है वो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो होता है मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। और आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है वो है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ये 24वें गवर्नर है आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इससे पहले जो 23वें गवर्नर थे वह थे रघुराम राजन। लेकिन वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो उर्जित पटेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जयंत मोमेन मैथ्यू को बनाया गया है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का जो नया अध्यक्ष है वो जयंत मोमेन मैथ्यू को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ओबीचरों से क्वेश्चन से कि हाल ही में पंडित तुलसीदास बोरकर का निधन हो गया है, ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ये हारमोनियम बजाते थे। कौन? पंडित तुलसीदास बोरकर, इनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वो हारमोनियम से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभी हाल ही में भी एक जापान में दो तूफान आए थे। एक तो तूफान आया था ट्रॉमी और एक आया था जेबी। ये कहाँ पर आए हैं? ये जापान में। तो ट्रॉमी तूफान और जेबी तूफान कहाँ पर आया है? जापान में आया है। अब जापान आया है तो जापान की बात कर ले कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शिंजो आबे। ठीक है, और जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। और जापान में 2020 के ओलंपिक खेल भी खेले जाएंगे। ठीक है, 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ कहाँ खेले जाएंगे? जापान की राजधानी टोक्यो में। और जो अभी 2016 के ओलंपिक खेल खेले गए थे, ये खेले गए थे ब्राज़ील में, ब्राज़ील के रियो डी जनवरी में खेले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत रूस को 3 MiG-21 लड़ाकू विमान उपहार में देगा। भारत जो है रूस को 3 MiG-21 लड़ाकू विमान उपहार में देगा। और तो यहाँ पे रूस आया है, तो रूस की बात कर ले तो रूस के जो राष्ट्रपति है, काफ़ी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन और रूस की राजधानी है मॉस्को। तो और भारत के राष्ट्रपति का नाम पता ही होगा आप लोगों को, भारत के राष्ट्रपति का नाम है रामनाथ कोविंद जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई जूनियर स्क्वास खिताब का किसने जीता है? तो एशियाई जूनियर स्क्वास खिताब जो है वो युवराज वाधवानी ने जीता है। किसने जीता है? युवराज वाधवानी ने। तो हम आपको भारत की जो स्क्वास खिलाड़ी वो भी आपको याद रखना है। स्क्वास क्या होता है? जैसे लॉन टेनिस होता है, लॉन टेनिस में एक व्यक्ति इधर से बॉल को मारता है, रैकेट से दूसरा व्यक्ति उधर से मारता है, उसको हम बोलते हैं लॉन टेनिस। तो लेकिन स्क्वास खेल कौन सा होता है? इसमें क्या होता है, रैकेट से एक टेनिस की बॉल को एक दीवार पर मारा जाता है, फिर दीवार से वो बॉल टकरा के आती है इस तरफ गिरती, फिर दूसरा खिलाड़ी उसको मारता है। इस आधार का एक गेम होता है, इस गेम को हम बोलते हैं
स्क्वास गेम्स बोलते हैं इसको, कई बार खिलाड़ियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि युवराज वाधवानी किस खेल से संबंधित है, तो युवराज वाधवानी जो है वो स्क्वास से संबंधित है। कुछ और भी महत्वपूर्ण स्क्वास के खिलाड़ी है जैसे कि जोशना चिनप्पा, जोशना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है, वो भी क्या खेलती है, स्क्वास खेलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा सफाई के लिए एक योजना चली, अभी मिशन चला है जिसको हम बोल सकते हैं, गंगा सफाई के लिए मिशन गंगा एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, अभियान चलाया गया है, इसका नेतृत्व कौन करेगा, इसका नेतृत्व करेगी बछिंद्रा पाल, बछिंद्रा पाल। और बछिंद्रा पाल का नाम आपने सुना ही होगा, नेपाल में जो आपका जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन सी थी, आपकी बछिंद्रा पाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया, तो इंद्र यात्रा उत्सव जो है आपको नेपाल में मनाया गया है। तो नेपाल की बात आई है तो नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू, काठमांडू। और नेपाल की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। और विद्या देवी भंडारी जो है नेपाल के इतिहास में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, और नेपाल का सॉरी प्रधानमंत्री नहीं है, ये एक्चुअली राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति। और जो प्रधानमंत्री है नेपाल का वो है खड़गा प्रसाद ओली, खड़गा खड़गा प्रसाद ओली है, खड़का प्रसाद ओली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी सेना का कमांडर किसे बनाया गया है, ये बनाया गया है एमएम नरावने को। पूर्वी सेना का जो कमांडर है किसे बनाया गया है, वो बनाया गया है एमएम नरावने को। ठीक है, तो ये आज आपके 1 अक्टूबर 2018 के करंट अफेयर्स के मैंने लगभग 14 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ऐसे मैं करंट अफेयर्स जल्दी लेके आऊँगा आपके सामने, और मेरे करंट अफेयर्स रोज मॉर्निंग में सुबह 7 बजे आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, और उसके आगे के जो वीडियोज़ हैं वो लगातार आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसका रिविज़न भी करते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।